वालेकुम। ये ओवरफ्लो स्विच है जो आपको जानकारी होगा पहले से, अगर नहीं होगा तो उसके मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, टू वे स्विच जैसा होता है वैसा ही होता है। एक नीचे भी टंकी में लगता है, एक ऊपर भी लगता है। तो नीचे टंकी में इसलिए लगा जाता है इसको कि डायनेमो जब पानी ख़त्म हो जाए टंकी में तो एयर ना ले मोटर, ठीक है। और ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर को ना निकले, ठीक है। तो मैं अभी नीचे टंकी में जो लगता है उसको मैं कनेक्शन बताता हूँ। पहला चीज़ ये है कि इसमें जो है कि बॉल जो है, ये देख रहे हैं आप, इसको लट्टू बोलते हैं आप लोग, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर समझ में आए, अगर हमको ना समझ में आया हो तो कॉमेंट करके बता दीजिए क्या इसको बोला जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि इसको इसके अंदर डालना है, और उसके बाद जो है इसको जो है कि हम यहाँ पे डालेंगे, मैक्सिमम इससे 1 फीट अंदर होना चाहिए। उसको 1 फीट अंदर होने के बाद यहाँ पे गांठ मार देंगे जो कि इस तरह से लुक में आपका आएगा, ठीक है। और उसको जो है कि टंकी को, जो हाफ टंकी होता है उससे अपना हिसाब से लेवल रखना है, जो कितना हमको पानी चाहिए उसमें उस हिसाब से लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद मैं, चलिए आइए आपको मैं अभी कनेक्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि आप सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको कनेक्शन करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कॉमन है, ये ब्लैक कॉमन मिलेगा, ठीक है, और एक ब्लू और एक ये ब्राउन, जो आपको जो है कि ये दोनों स्विच का काम करता है। जो टू वे स्विच होता है उस सेम टू सेम टू वे स्विच ही है। तो इसको कनेक्शन कैसे करना है, नीचे का टंकी में ये मैं इसको जो है कि मेन एक करंट दूंगा, ठीक है। सीरीज जैसे मोटर में लगाना है, ये मान लीजिए कि मेरे पास ये मोटर है और ये मेरे पास ये ओवरफ्लो स्विच है। तो इस मोटर में मैं डायरेक्ट दूंगा एक ब्राउन दूंगा, ठीक है, ये सीरीज में कर दिया, ठीक है। और एक दूसरा हिस्सा जो है मैं करंट दे दिया। उसके बाद जो है कि एक वायर जो है कि क्या बोलते हैं उसको, जो कॉमन है, मैं उसको अभी इसमें करंट दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सीरीज। अब इसका काम क्या है देखिए, अगर ओवर फ्लो हो जाएगा पानी, अगर ऊपर का टंकी में मान लो कि ऊपर ऊपर फुल हो गया टंकी, तो आपका जो है कि ये हवामा बंद कर देगा, ठीक है, मोटर बंद हो गया। जैसे ही टंकी अगर खाली होता है तो ये नीचे होगा और पानी चालू हो जाएगा फिर से मोटर, ठीक है।